आई नहीं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेकअप वाली आई नहीं, मैं भद्दी बनके क्यों निकलूं मेरे। हाय फ्रेंड्स, इट्स मी योर लवली प्रियांशी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्रियांशी। सो आज का जो वीडियो है वो होने वाला है द मोस्ट 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 रिक्वेस्टेड वीडियो, वो है डूइंग माय ओन मेकअप वीडियो। सो जैसे कि मैं आप सबको पहले से ही बता दूं, मेकअप बच्चों की स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है, बट आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं और मैं कर लेती हूँ कभी कभी, अच्छा लगता है थोड़ा सा, इसीलिए मैं आज करने वाली हूँ मेरा खुद का मेकअप। और मम्मी कुछ हेल्प नहीं करेगी, कुछ हेल्प नहीं करेगी, कुछ हेल्प नहीं करेगी। रिसेंटली मैं थोड़ा सा मेरे मेकअप को अप्रिशिएट कर रही हूँ, जैसे कि मैं आईलाइनर लगाना सीख चुकी हूँ, मैं अच्छे से लिपस्टिक लगाना सीख चुकी हूँ और आईशैडो भी अच्छे से लगाना सीख चुकी हूँ, ठीक है। सो चलो हम लोग हमारे मेकअप को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्टेड वीडियो बना रही हूँ भाई, लाइक तो करना चाहिए, करो, मैं देख रही हूँ, करो करो। गुड, अब स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग करने वाले हैं मेरा मेकअप। एंड मेरा मेकअप करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ दो शेल्फ्स जो आज हम यूज़ करने वाले हैं। सो यहाँ है जो चीज़ें मैं मेकअप से पहले लगाऊंगी, मेरा स्किन केयर वाला चीज़ें थोड़ा थोड़ा सा लगाऊंगी। एंड उसके नीचे है हमारा फाइनल मेकअप जो मैं लगाऊंगी, ऑफकोर्स मेकअप लगाएंगे। सो पहले आपके मतलब जब मेकअप करूंगी मेरे फेस पे ऐसा उबाल ना आ जाए मेरा बैंग्स, तो इसलिए मैं ये लगाती हूँ। अभी मेरा फेस देखो, इतना बड़ा सा फोरहेड है मेरा, बिग फोरहेड। सो फर्स्ट हम लोग लगाने वाले हैं रोज़ वाटर हमारे फेस के लिए, और फेस वॉश करके ही मेकअप करना। एंड आफ्टर दैट मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल लूँगी। एंड आफ्टर ऑल दैट आप अपना क्रीम लगा सकते हो, जो डेली बेसिस पे आपका डेली क्रीम लगाते हो आप अपने फेस में वो। सो आपका फेस अभी मेकअप करने के लिए रेडी है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ भी लगा सकते हो, मतलब लाइक फाउंडेशन या फिर बीबी क्रीम। सो मैं तो ज़्यादातर फाउंडेशन नहीं लगाती हूँ, मतलब जब डांस शूट होता है या कुछ शूट होता है तो तब लगाती हूँ। सो मैं फाउंडेशन नहीं, बीबी क्रीम लगा लूँगी, क्योंकि फाउंडेशन जो होता है ना वो ज़्यादा हैवी होता है एंड आपके स्किन को उतना ही डैमेज करेगा जितना हैवी हो सकता है। और आप देख सकते हो मेरा आँख के नीचे कैसे पांडा की तरह काला काला हुआ है। सो आँख के नीचे भी हम थोड़ा लगा लेंगे। और मैं कंसीलर नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ना कंसीलर आँख के अंदर चला जाता है, तो मैं थोड़ा सा ही मतलब जो बीबी क्रीम है, फाउंडेशन जो भी मैं लगा रही हूँ फेस पे, वो ले लेके आँख के नीचे लगा देती हूँ, क्योंकि कंसीलर जो होता है थोड़ा सा जलता है आँख के नीचे मुझे, इसीलिए आई वुड प्रिफर दिस। डन। सो हमारे फेस में तो हमने फाउंडेशन लगा लिया है। इसके बाद आप लगा सकते हो जो कॉम्पैक्ट पाउडर आता है वो, या फिर कोई सा भी लूज पाउडर, ताकि आपका फेस जो है वो सेट हो जाए। मैं तो कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लूँगी, मेरा फेवरेट। कार्टून में जैसे नहीं लगाते ऐसे ऐसे करके, वैसे। डन। एंड आफ्टर दैट आप मूव कर सकते हो अपने आई मेकअप में। मैं ना पेंटिंग थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, सो मुझे आई शेडो लगाना मेरा फेवरेट पार्ट होता है मेकअप का। आपका फेवरेट पार्ट क्या होता है मेकअप का मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये आई शेडो पैलेट नहीं है, मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ इसके अंदर और भी क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ आपको आई शेडो मिलेगा, उसके बाद आपको ग्लिटर वाला कॉम्पैक्ट मिलेगा जो आप आईज़ पे लगा सकते हो, मैं तो ये आईज़ पे लगाती हूँ, और ऐसा नॉर्मल वाला भी कॉम्पैक्ट मिलेगा। उसके बाद आपको इधर नीचे दो कॉम्पैक्ट के लिए स्पंज मिलेगा जिससे आप लगा सकते हो, एंड कुछ लिप कलर टिंट्स मिलेंगे। देखा, ये हैंडी है, ये मैं कहीं भी जाऊँ तो ले सकती हूँ। सो हमें तो आई शेडो लगाना है, सो चलो हम आई शेडो ही लगा लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यू कैन यूज़ अ मेकअप वाइप्स अगर आपके अंडर आइज में लग गया है आई शेडोज एंड लैशेज में भी। मेरे लैशेज पे भी थोड़ा सा कलर लग गया था, तो मैं मेरा कलर वाला लैशेज नहीं चाहती, इसलिए मैंने वो भी रेस कर दिया और इसको ठीक कर दिया। अब ये ठीक हो गया। एंड इसके बाद हम लोग ना एक आंख का पूरा ख़त्म कर देते हैं, इसके बाद हम लोग लगाएंगे मुश्किल वाला पार्ट, आईलाइनर।
क्या होता है ना, मैं आजकल आईलाइनर थोड़ा ठीक से लगा सकती हूँ, लेकिन पिछला वाला एक मेकअप वाला वीडियो, ये वाला मेकअप वीडियो, ठीक है, सो इस वाले में ना मैंने आईलाइनर पता नहीं कैसे कैसे करके लगा लिया था। तो इस बार हम लोग पूरा ट्राई करेंगे, मतलब एक आँख का आईलाइनर हो जाए ना तो दूसरा आँख का आईलाइनर उसके साथ मिक्स करने में बहुत ट्राइज टेक्स लग जाते हैं इसीलिए। सो एनीवेज चलो हम लोग इस आँख का आईलाइनर लगा लेते हैं। ओह हाँ, आईलाइनर लगाने से पहले मस्कारा, क्योंकि क्योंकि मेरा आईलिड जो है, आईलैशेस जो है वो कलर्ड हो गए हैं बिकॉज ऑफ द आई शेडो। उसका ASMR सुनना चाहोगे? बहुत अच्छा है इसका ASMR। है ना। और चलो अभी हम लोग बैक टू वर्क। हम क्या कर रहे थे, आईलाइनर लगा रहे थे, मतलब आईलाइनर लगाना स्टार्ट कर रहे थे। सो मेरे पास ये पेंसिल वाला आईलाइनर, ये क्या था, नो दिस इज नॉट दैट गुड, वी हैव टू फिक्स दिस। One eternity later. Okay, मैं जितना इसको कर पाई आइडेंटिकल उतना कर लिया मैंने। एंड मैं एडमिट करना चाहती हूँ कि मैं लिटरली मुझे आईलाइनर मैं लगा ही नहीं सकती, इसलिए मैं, आप जानते हो मैं ज़्यादातर वीडियो में मेरा आईलाइनर लगाती नहीं हूँ, आप देख सकते हो। अच्छा नहीं हुआ है, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है। या आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करना। इसका थोड़ा सा ऐसा अच्छे से ये वाला, अरे थोड़ा सा मोटू सा हो के ऐसे हो गया, क्या ही करे, जैसा है ठीक है। और इसके बाद हम लोग लगाएंगे लिपस्टिक, लास्ट चीज़ फाइनली। और मुझे लिपस्टिक लगाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लिपस्टिक लगाने से पहले लिप बम तो लगाना ही चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो मेरा होंठ कैसा है। सो अभी मैं, मेरे पास तीन कलर्स हैं लिपस्टिक के, ये पिंक कलर है, मैट कलर है और रेड कलर है। सो क्योंकि मैंने पिंक पहना है तो आई विल अप्लाई पिंक, क्योंकि पिंक मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट कलर भी है। सो चलो इसको ओपन करते हैं। इसका स्मेल बहुत अच्छा है लिपस्टिक का। एंड हाँ, मैं बोल दूँ मेरे पास लिप ग्लॉस भी है यार, जो कि मैं लिपस्टिक लगाने के बाद लगाऊँगा एंड टू गिव सम शाइन। अगर आप सोचो कि मैंने साइड्स में इधर कॉर्नर में क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि मेरे पास मेरा पॉइंटी प्यारा सा लिपस्टिक ब्रश है, जिसको मैं ऐसे साइड में लगाती हूँ, क्योंकि उसका ब्रश इतना मोटू सा था ना, वो मैट लिपस्टिक का, सो इधर लगाने से बाहर निकल आ जाता है, इसलिए वो सूखने के बाद मैं लगा लूंगी मेरा लिप ग्लॉस, मेरा प्यारा फेवरेट लिप ग्लॉस। टाइम फॉर सम लिप ग्लॉस, मेरा फेवरेट होता है लिप ग्लॉस बिकॉज, और इसका साउंड बहुत अच्छा है फॉर ASMR। देखा कितना अच्छा सा साउंड है, ये निकला है हमारा लिप ग्लॉस एंड एक्सेप्ट फॉर द लिप्स पार्ट, हम हमारा हेयर टाई निकालेंगे एंड हेयर स्टाइल करेंगे। माना कि हेयर स्टाइल मेकअप में नहीं जाता है, बट सुंदर तो दिख रहा है ना, इसलिए हेयर स्टाइल भी चाहिए होगा। सबसे पहले अपने प्यारे बालों को ऐसे कोम्ब कर लेना है, साइड से ऐसे करके बाल को लेना है, इसको एक पोनीटेल में कर लेना, छोटू सा पोनीटेल, एंड आपका जो बाकी का बाल है नीचे उसको ऐसे खुला रहने देना। उसके बाद एक क्लचर ले लेना, मेरे पास जैसा है, मतलब आपके पास जैसा क्लचर है, और उसको ऐसे करके लगा लेना है। सो अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कि हमने ओनली क्लचर लगाया है, नो चोटी, क्योंकि मैं ओनली क्लचर से करने से मैंने शैम्पू किया, सो मेरा बाल निकल आएगा। तो ये है हमारा हेयर स्टाइल एंड मेकअप। बाकी दिन में नॉर्मल डेज में मेरा मेकअप कितना अच्छे से मैं करती हूँ, लेकिन आज आई डोंट नो क्या हुआ है, बट कुछ कर्स्ड है आज का दिन, इसीलिए मेरा मेकअप कुछ ऐसा है। बट मुझे मेरा सारा मेकअप से अच्छा मेरा लिप्स वाला पार्ट लगा, कितना प्योर सा दिख रहा है मेरा लिप्स, इसीलिए आप देख सकते हो मेरा पूरा लुक। रेट दिस आउट ऑफ 10।
सो आप लोग कितना रेट करना चाहोगे मेरा मेकअप को एंड हेयर स्टाइल को आउट ऑफ 10? ठीक है, हेयर स्टाइल का 10 out of 10 अलग से होगा, 10 out of 10 मैं मजबूर नहीं कर रही हूँ, मतलब आपके चॉइस से आप लोग कमेंट करना कि आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो मेरा ये लिप्स को मैं दूंगी पूरा 10 out of 10, बट इसके साथ उसको मिला के मेरे लिए हो जाएगा 6 out of 10। मैं तो 6 out of 10 कर रही हूँ और मेरा हेयर स्टाइल को मैं 9 out of 10 कर रही हूँ, एक मार्क घटा दिया क्योंकि क्या मुझे थोड़ा सा एक मार्क अच्छा नहीं लगा डालने के लिए, इसीलिए। सो होप यू ऑल एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, एंड इफ यू एंजॉयड देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक और क्या था, हाँ ये शेयर और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ये इरिटेटिंग बेल आइकन हमेशा आता रहता है, कोई बात नहीं, ताकि आप लोग नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए जब लर्न विद प्रियांशी का नया वीडियो आए और आप फर्स्ट व्यूअर बनो। फर्स्ट व्यूअर बनना है ना ठीक है, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मेरा मेकअप को रेट करना बिल्कुल मत भूलना कमेंट सेक्शन में, बाय। सुनो, ये दो वीडियो देखा है कि नहीं? नहीं देखा तो क्लिक करो और देखो।